पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी अभी अपने घर में सीरीज सफलतापूर्वक पूरी की, टेस्ट सीरीज। 10 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई। T20 क्रिकेट तो खैर उनके वहाँ बीच बीच में खेला जा रहा था, कभी कोई टीम 1-8 साल में एक सीरीज खेल जाती थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की 10 साल बाद वापसी हुई और वही टीम टेस्ट सीरीज खेल कर गई जिसके ऊपर 10 साल पहले गोलियों की बौछार हुई थी, श्रीलंकन क्रिकेट टीम। अब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कराची में वो डे नाइट टेस्ट करेंगे बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश उनके साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पाकिस्तान आ जाएगा। और पाकिस्तान इतनी मिन्नतें कर रहा था बांग्लादेश से, शुरू में बांग्लादेश टालता रहा कि हम पहले T20 सीरीज खेल लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज के बारे में सोचेंगे जब वहाँ सिक्योरिटी देख लेंगे। लेकिन ऐसा लगता है बांग्लादेश ने फैसला कर लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट के CEO ने आज साफ कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, हम पाकिस्तान जाएंगे T20 सीरीज खेलेंगे और वापस आ जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान हमें बताएगा कौन से न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट क्रिकेट खेलना है, टेस्ट सीरीज खेलनी है। यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है वो पाकिस्तान में किसी भी कीमत पर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने बेशक एक टेस्ट सीरीज का सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया, लेकिन पाकिस्तान का रिश्ता विवादों से रहा है। एक बार पाकिस्तान और इंग्लैंड के वनडे मैच में पाकिस्तान के बाउंड्री के बाहर ही एक लो लेवल का बम फट गया था और उसके बाद इंग्लैंड की टीम छोड़कर चली गई थी बीच में से ही टूर और कभी वापस नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों ने 2005 से पहले ही पाकिस्तान का दौरा किया था। अगर पाकिस्तान का कोई टीमें दौरा करती रही थी तो वो थी इंडिया, श्रीलंका। इंडिया से पाकिस्तान ने 26/11 के बाद रिश्ते बिगाड़ लिए, वरना पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन कितनी भी खराब हुई हो, भारत ने हमेशा एक जिम्मेदार दोस्त के नाते, जिम्मेदार पड़ोसी के नाते, जिम्मेदार बड़े भाई के नाते पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट शुरू करवाई। जब पाकिस्तान में क्रिकेट बंद थी तो 2003-2004 की वनडे सीरीज भारत ही खेलने गया था और पूरी दुनिया को दिखाया था कि पाकिस्तान सुरक्षित है, तब जाकर पाकिस्तान में क्रिकेट लौटा था। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया 2026/11 में, उसके बाद से भारत ने कसम खा लिया, ना ही पाकिस्तान को अपने घर में बुलाएगा, ना ही पाकिस्तान के घर में जाएगा। इस अब तब से अब तक सिर्फ एक ही सीरीज हुई है भारत पाकिस्तान की, वो 2011-12 में हुई थी भारत में ही। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की वापसी अभी आंशिक रूप से हुई है। बांग्लादेश ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो पाकिस्तान में किसी भी कीमत पर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।